ओ गए हाँ जी उड़ गए। अरे भाई ये बहुत तेज़ है, मैं तो इसको बहुत शरीफ समझता था, जिसकी हालत देख के मुझे लग रहा है आज पता चल रहा है कि ये बीमार है। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीर पेट हाउस। तो दोस्तों आज का करते हैं ब्लॉग शुरू, ठीक है। आज हमने क्या करना है कि एक तो हमारी जो ना सफाई वाला प्रोग्राम वो सारा बड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, सफाई वगैरह करनी है। और दूसरे आज हमने क्या किया है कि जो हमारे न्यू कबूतर आए थे, ठीक है, एक तो ये बैठे हुए साहबजादे और वो बैठे हैं साहबजादी, ठीक है। इनको मैंने खोला है, तैयब को बोला था इनको टेप लगाने के लिए, जैसे परों पे लगाते हैं, ठीक है। आज इनको खोला है ताकि ये घूमें फिरें, इनको यहाँ की आदत हो। और हमारे लक्की और लक्का तो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं किधर जाके बैठ के, अंदर तो नहीं नज़र आ रहे, कहीं पर यहाँ पर भी नहीं है, और बाहर सामने भी वहाँ पे भी तो नज़र कोई नहीं आ रहे, वहाँ पे खुले हुए हैं वही जो है तीन चार सामने बैठे हुए हैं, तो वो पता नहीं किधर जाके बैठे हैं, ठीक है। तो दोस्तों बीच में ना एक और चीज़ है, कल मैंने अंडे नहीं उठाए थे, माशाल्लाह से आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। अंडे देखे हमारे पास कितने पड़े हुए हैं, मुर्गियाँ जो है ना वापस रूटीन पर आ गई, ठीक है। ये देखे वाला वाला, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा अभी उठ ठीक है तो बता ही देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अंडे हमारे पास, ठीक है। अभी मुर्गी देने वाली दे रही थी, मतलब मैंने उसको जो काम कर दिया, और उनके काम देखे एक अंडा वो पिंजरे के अंदर ही दिया हुआ है, अजीब ही सिस्टम बैठा। और हमारे जो है ना न्यू बनी भैया, ठीक है, वो भी काफ़ी जगह सुधर चुके हैं। और ये देखें यहाँ पे पता है क्या सीन हुआ है, ये मट्टी जो है ना यहाँ पे आ चुके हैं, जिसको वो जरा सारा काम साफ कर यहाँ पे लगे हुए हैं। आज मैंने सारी सफाई करनी है, ठीक है, रूम बिल्कुल क्लीन करना है, ये चीज़ें उठानी है, ये भी टोकरी उठानी है, इसमें से सारी जो है ना तारे, अरे चुप कर जा, तो तारे वगैरह जो है ना चूहे सारी साफ कर दिए। अभी क्लीनिंग वगैरह करके मैं फिर से वीडियो बनाता हूँ, फिर जाके करते हैं ये सफाई, ठीक है, यहाँ से करते हैं, यहाँ से चुटकी बजा के। तो दोस्तों चुटकी बजा के हो चुकी है सफाई, आपके लिए तो चुटकी है, हमारी जो है ना मत बज गई है, ठीक है। कबूतर हमारे नीचे आए हैं, उनको थोड़ा सा दाना डालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया था कि इनको मैंने खोला, पार इनके बांधे हुए थे क्योंकि नहीं जगह आए थे, तो इसलिए इनके पार मैंने बांधे हुए थे, लेकिन आज मैंने इनके पार खोले हैं। अभी जो है ना दाने डालते हैं इनको मुर्गियों के साथ। और ये ले जी, आ जाओ शुजी गुजी आ जाओ, ठीक है। और ये हो गया हमारे डायनासोर के लिए, और बाकी जो थोड़ा सा रह चुका हुआ है वो डालते हैं जी बाहर। दोस्तों बाकी जो दाने हैं यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, यहाँ से भी मुर्गियाँ खा ले। एक तो पीछे दाने जाते हैं ये पाइप के पीछे, देख यहाँ से फिर जो है ना वो ये उगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी जो है ना मैं इनको बाहर ही निकालने वाला था, हमारे जो शिराजी हैं तो मैं इनको बाहर निकालने वाला था, थोड़ी सी इनको आदत हो जाए, लेकिन माशाल्लाह से ये खुद ही घूम रहे हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। आ जाओ चलो। तो यहाँ पे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे इनको डाल देता हूँ ताकि ये जो है ना यहीं पे खा ले। और आज माशाल्लाह से कबूतर भी मारा बाहर गया हुआ था, वो उठ के बाहर गया हुआ था, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इसके जो है ना सर्दी हो चुकी थी, लेकिन वो देखे माशाल्लाह से घूम गए आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टेंशन हो चुकी थी कि जैसे हमने जो है ना बिस्मिल्लाह की पेट्स लाने की, हमारी बिस्मिल्लाह हो चुकी थी मुर्गियाँ। वो हो गया जी ऊपर भाग के हमारा कबूतर। ओ तेरी ओ तेरी ओ ओ तो दोस्तों पता नहीं क्या सीन है, अभी मैं ये पूछना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल इनका मुझे नॉलेज नहीं है, ये फीमेल फीमेल ऐसे करते हैं या दोनों मेल हैं, ठीक है। वो तो मुझे पता है कि वो जो है ना मेल है, तो लेकिन इनका मेल मैंने तैयब से पूछा तो ये बता रहा था जो वाइट जो गर्दन वाला है वो मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। लगते तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं ये, ठीक है। ये आए हमारे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहली बहन हमें गिफ्ट किए हुए हैं, ठीक है। और
आज मैंने क्या किया है कि वहाँ से जो है ना सारा गंद साफ किया है, पिंजरा ये वहाँ पे रखा था, ये जो है ना चूहों ने घोंसला बनाया था कॉर्नर पे, मैंने यहाँ पे छोड़ा था कि चले हमारे कबूतर जो है ना वो उठा के ले जाएंगे ऊपर, अपना जो है ना घोंसला वगैरह बना लेंगे, ठीक है। और आज हमने इनके लिए भी जो है ना देखते हैं क्रेट ला के रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ही जो है ना गंद पड़ा हुआ है, क्या किया है कि यहाँ पर भी चूहे ने ना सारा जो है ना काम खराब किया, ये देखे सारा हमारा छत जो है ना खराब कर दिया हुआ चूहे ने, ठीक है। और मैं सोचता रहता था कि ये जो है ना लकी भाई करते हैं, ठीक है, लेकिन ये चूहे भाई साहब के काम है। तो एक तो मैंने उठा के उसको बाहर निकाल दिया, क्यों भाई? तो आपसे पहले भी पूछा था मैंने, ये बताएं कि इनका नाम क्या रखें, ठीक है। ये दोनों का जो है ना बल्कि चार पाँच चीज़ें हैं जिनका हमारा नामकरण होने वाला है। हो गया फिर से ऊपर, अभी मुझे इनका डर है, तैयब भी घर नहीं है, ये पता नहीं क्या सीन है, ठीक है। ये देखें, मुझे तो दोनों मेल ही लाग रही है। तो दोस्तों वो जो लगा है, ठीक है, मारे इस कबूतर को मारा, वो हो गया फिर से, अभी देखना है फिर से झगड़े हैं। अभी मुझे एक चीज़ तो इनकी क्लियर नहीं हो रही है कि ये दोनों मेल क्यों लाड़ रहे हैं। तो ये मैं जैसे बताया था कि आपको मैंने बताया कि उसका तो पता मेल है, ये देखें तो यहाँ तो वो भेज रहा है, उसका घर है, उसको दूर भेज रहा है कि वहाँ पे ना जाओ, ठीक है। तो देखते हैं मैं भी फिर क्या करता, अभी तो उनको करने देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ना क्रेट एक और ला के रखता हूँ ताकि इनकी जो ना लड़ाई ख़त्म हो सके, ठीक है। और दोस्तों आज मैंने यहाँ पे जो आपको जैसे बताया कि सारे क्लीन की वगैरह की है, और अभी चलते हैं बाहर, आपको दिखाता हूँ जो ना बकरी वाली साइड भी सारी क्लीन करके रखी है। और इनका और दोस्तों इनका नाम भी हमने बताना, जैसे बताया कि बहुत सी चीज़ों का नामकरण होने वाला है, ठीक है। अपने जूं पिजन से इनका नाम शिराजी रखें या हम जो है ना इनका निक नेम रखें, ठीक है। मुर्गियां तो सारी लेके हुए दाना खाने पे यहाँ पे, ठीक है। और अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ जो है ना साफ़ किया हुआ वो। एक तो आज इनका मैंने स्विमिंग पूल जो है ना, इनका पूल जो है ना साफ़ करके रखा है, और यहाँ पर भी सारी जगह साफ़ की है, ठीक है। ये गन को यहीं पे मैंने आग लगा दी थी, और यहाँ पे जो है ना आज मैंने लकड़ी का जो ना बूरा, जिसको बोलते हैं बरादा बूरा जो भी बोले, वो मैंने डाला था ताकि जो है ना ये भी जो है ना ड्राई ड्राई हो जाए, ताकि बकरी जो है ना ईजी होकर रह सके, ठीक है। और तैयब के कबूतर सुबानी तैयब, उनके कबूतर भी सारे बाहर घूम रहे हैं। तो इनको मैंने बोला हुआ एक बच्चे का बच्चा निकलेगा, क्योंकि हमें चाहिए उड़ने वाला बच्चा जो हम जो है ना अपने साथ ट्रेन करेंगे, ठीक है। और अभी चलते हैं जाके ना, मैं अपने भी आपको फिशेस भी दिखाता हूँ, क्योंकि वो भी नहीं देखे हैं दो दिन से, और दाने देखे मुर्गियाँ खा रही हैं। और चलो भाई तो दोस्तों वो एक तो वो चीज़ करनी है हमने, ठीक है। इनका डिफरेंशिएट करेंगे कि मेल फीमेल कौन से हैं ताकि क्लियर हो। दूसरा इनका भी एक दफ़ा चेक करना है शूजी कुजी का, हमने तो शूजी कुजी मेल फीमेल समझे हुए, लेकिन ये अभी तक भी बच्चे नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। और राजा भैया के काम देखें, शूजी कुजी को उसने भगाया है, और गोल मोटू देखें, वो गोल मोटू बैठा हुआ कहाँ छुप के, सिर्फ राजा भैया से। और आगे मैंने जो है ना 10 अंडे आज उठाए हैं, उसके बाद इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया है। अरे भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनको मैं खुला छोड़ता हूँ, ये जो है ना थोड़ा सा ईजी हो ले, फ्री हो ले, तो बाहर का भी सीन पता हो, अगर हम घर भी ना हो तो बाहर से घूम के आ गए। चल 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 तेरी ऐसी की थक। हो गया जी उड़ के। अरे भाई ये बहुत तेज़ है, मैं तो इसको बहुत शरीफ समझता था, जिसकी हालत देख के मुझे लग रहा है आज पता चल रहा है कि ये बीमार है। ओ तेरी। तो मुझे यार तैयब को भी बुलाना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा कि इसका क्या मसला है, ठीक है। ये ना हो ये लड़ लड़ के जो ना एक दूसरे को जख्मी कर दें। तो अभी चलते हैं अपने फिश फाउंटेन पे, एक दम फिश को देख के फिर इनका जो नाल निकाल दो, क्योंकि तैयब को मैंने देखा है नहीं है घर में। तो अभी चलते हैं अपने फिश को खाना डाल के जल्दी से आते हैं, और इनका जो नाल निकालते हैं हम। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने मिनी जू में, फ्यूचर मिनी जू, अभी तक तो फ्यूचर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये रहे हमारी फिशेस, देखे माशाल्लाह से, ठीक है, सारी घूम रही है यहाँ पे। एक और चीज़ खाता हूँ, चलो भैया आओ, देखा है जादू, देखे ऐसी चीज़ें मुझे, ठीक है। ये देखें वाला, अरे गुदगुदी होती है भाई, गुदगुदी होती है। तो गोल्डन फिश भी आज हमारे पास आ रही है, हमारी ब्लैको दोस्त किधर गई है, ब्लैको
वो जब आके आपको टच करेगी तो हम फिर जो ना पीछे कर लेंगे, अभी इनको खेलने देते हैं। आज तो गोल्डन वाली फिश भी देखें नज़र आ रही है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, तो दोस्तों ये चीज़ें इसलिए मैंने जो है ना चीज़ें रखी हैं, थोड़ी रखी हैं लेकिन वेल टेम रखी हैं। इस चीज़ तो आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती है टेम करने के लिए, लेकिन जो है ना खाना डालता रहता हूँ मैं हाथ से, तो इस वजह से जो है ना टेम हो चुकी हैं। तो एक और चीज़ खानी है कि देखें लोगों ने जो है ना ज़मीन अपनी तैयार करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि आगे जो है ना बाजरे का सीज़न ऑफ हो चुका है, अभी जो है ना गंदम की तैयारी है। तो आज हमें भी जाना, जैसे पता देखें वो धुआं नज़र आ रहा होगा आपको, तो जो भी गंद वगैरह है वो जला के फिर इसके अंदर ट्रैक्टर चलाएंगे, ज़मीन तैयार होगी तो हमें भी जाना पड़ेगा अभी। तो मैं करता हूँ क्या हूँ कि वीडियो बना के ना फिर जाता हूँ, आज मैक्सिको भी लेके बाहर चलते हैं, ठीक है। बाकी किसी को भी नहीं लेके जाएंगे, इनको क्या विसल करूँ। तो इनका खाना डालता हूँ मैं, निकालता हूँ चूरा, उसके बाद जो है ना बनाता हूँ वीडियो। चूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद खोल के डालते हैं और साथ में वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों चूरा निकाल लिया है, अभी डालते हैं फिशेस को, साथ इनके साथ खेलने भी हो जाएगा। आ जाओ भाई, ये देखें जी, ये ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये सारी यहाँ पे आएंगी, पानी लाते जाओ और खाते जाओ, खुद ही खाते जाओ। ये देख सारी कैसे आती हैं। चलो भाई, ये चला गया इनका खाना, ये भी आराम से खाती हैं, ठीक है। और इसको बंद करके रखता हूँ मैं साइड पे। जैसे चूरा पानी में डालता हूँ ना तो ये जंप करना स्टार्ट हो जाती हैं, पता नहीं क्या सीन होता है, ये खुश हो जाती हैं, ठीक है। और हर जगह आपको धुआं ही धुआं नज़र आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि लोग जो है ना ज़मीन फिर से तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट फसल के लिए, ठीक है। और पीछे पहाड़ हमारे कश्मीर के, और वो हमारी जो है ना बकरी वो चार रही है जी, ये हमारी बकरो ब्राउन कलर की। जूम आउट करते करते टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर जो है ना कैमरे का फोकस भी इधर चला जाता है, इसलिए जो है ना टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अभी मुझे आपको मैंने जैसे बताया कि ट्रैक्टर वाले बेकाल कर रहे हैं कि आ जाओ जी आप भी अपनी ज़मीन में, तो मुझे भी जाना पड़ेगा उधर, तो मैक्सिको खोल के लेके चलता हूँ उधर, तो जाके सफाई वगैरह करते हैं और हम भी जो है ना अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं, जैसे गंदम की फसल लगानी है, ठीक है। तो टाइम से तैयार करेंगे, बारिश वगैरह फिर आपको पता है ये सारी ज़मीन जो है ना बारिश के पानी से काश्त होती है, कोई भी ट्यूबवेल वाला सीन नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ, और कोशिश करते हैं कि कल कोई पेट हमारे पास आ जाए। पहले तो ये आपको मैंने बताया कि चूज़े हमारे एक्सपायर हुए हैं, ठीक है। दूसरे बाद हमारा लक्का बीमार हो गया था, तो जैसे हमने जो है ना बिस्मिल्लाह किया उस साइड पे, दूसरी साइड से भी बिस्मिल्लाह हो गई। तो खैर ये सब कुछ तो चलता रहेगा, हम भी बाज आने वाले नहीं हैं, और जो हमारे नसीब है वो तो हमारे साथ होता ही रहेगा। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर।